फिर आंखों की बरसात आज ही क्यों कर रहे हो? बेटा भाभी मां आई चलते आपको पता है मेरी दादी पापा ने नमन चाचियों को जो आइडिया दिया था वो सबको बहुत अच्छा लगा। दादाजी सब लोग कितने खुश हैं और आपकी पार्टी तो बननी ही चाहिए। बोला बिल्कुल होनी चाहिए नक्श। इनफैक्ट जैसा कि इस लाइन का कहना था इस नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें एक नई फर्म खोलनी पड़ेगी। आई थिंक हमें उसकी खुलने की एक ग्रांड पार्टी होनी चाहिए। नायरा बोली वाओ गुड आइडिया चाचू, बताइए कब और कहाँ बढ़िया सी पार्टी करेंगे हम और फर्म का नाम रखेंगे सिंघानिया एंड सन्स एंड सन्स। नायरा बोली सन्स एंड डॉटर्स भी। अरे बैटिंग हाँ इधर से टॉस करो। बड़ी याद आती थी तुम लोगों को नीचे से पार्टी तो जान करवाया जाता तुम लोगों को बहुत याद आती थी तुम लोगों को। बच्चे ने बोला पीछे बोला 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 रिलाइज धीरे से रिलाइज अलग से कल आज यही हुआ था कि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो जो राजबन्ना है और नमन ट्राई कर रहे थे इशू को सॉल्व करने की हो नहीं पा रहा था और वैसे भी एक्सपीरियंस अभी काम में संभाल रहा हूँ लेकिन एक्सपीरियंस तो तब भी कम ही है थोड़ा। तो नैतिक जो यहाँ पर हैं उनसे मैंने थोड़ा सजेशंस लिए, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए वो फॉरवर्ड किए क्लाइंट को तो वो इशू सॉल्व हो गया। और खुशी की बात यह है कि जो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था 3 साल का मिल रहा है। तो हाँ बड़े भाई का जो सजेशंस थे वो काफ़ी वैल्यूएबल थे। जैसे हम देख रहे हैं कि कई साल पहले फैमिली सी एक तरह से टूट सी गई थी, अलग अलग बट गई थी और अब फिर से वो आ चुकी है। तो लाइक कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसा क्या फिर से बरस रहा है ऐसा? हाँ मतलब एक डिफरेंट फीलिंग है क्योंकि घर में जो अक्षर और नैतिक नहीं थे वो कमी तो महसूस होती थी, सबको ये इफेक्ट करता ही था लेकिन हाँ कुछ बोलते नहीं थे उस बारे में हम लोग क्योंकि भाभी माँ नहीं चाहती थी वो लोग यहाँ पर हों। तो उस वजह से थोड़ा था एक डिसबैलेंस था लेकिन अभी हो गया अच्छा कि ये लोग वापस आ गए हैं प्लस नक्श है नायरा है तो एक खुशी का माहौल तो है ही। हम देख रहे कि भाभी माँ अनकंफर्टेबल थी व्हाइल स्टेइंग विद अक्षरा एंड नैतिक, तो क्या अब फिर से कंफर्ट जोन बन चुका है? नहीं कंफर्ट जोन तो नहीं बना है लेकिन ये है कि भाभी माँ चाहती नहीं है कि बच्चों को इस बारे में कुछ पता चले और नक्श तो उनका बहुत ही प्यारा है तो इस वजह से भाभी माँ भी एक अपने तरीके से उनको कुछ फील तो हो रहा है लेकिन दिखाना नहीं चाह रही है तो बस वही है कि सबके सामने कुछ बोल नहीं रही है। हम देख रहे हैं कि हालांकि अभी ये क्या बोलते हैं दादाजी के नाम पे एक फैक्ट्री ओपन की जा रही है
एक तरह से नई शुरुआत है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अभी बस जा ही रहे हैं वो प्रोमो शूट करने के लिए। तो एक अब दद्दा जी जो हैं, ऑफ कोर्स एक इस परिवार का मेन अहम हिस्सा वही थे, सब उन्हीं को लेकर है। तो अब वो जा रहे हैं, देखते हैं प्रोमो शूट होता है तो उनके नाम से एक फैक्ट्री खुल रही है, ऑफ कोर्स एक आगे नई शुरुआत है। जाते जाते अपने व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? कि जैसे आपने प्यार दिया है शो को, वैसे ही देते रहिए और ये रिश्ता देखते रहिए। थैंक यू।